नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। वित्त मंत्रालय की बड़ी घोषणा, चुनाव से पहले हो गई बड़ी घोषणा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से कि वित्त मंत्रालय की तरफ से कौन सी बड़ी घोषणा की गई है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, ईपीएफओ खाते पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी ऐलान से संबंधित ये लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है। 24 जुलाई सोमवार को जारी किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ अकाउंट पर 8.15% ब्याज दर तय की थी और मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा था। जानकारी के अनुसार खाते में ब्याज का पैसा अगस्त 2023 से पहुंचने लगेगा और इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने यह बड़ी घोषणा कर दी है कि आपको अब इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8.15%। और इसी के संदर्भ में ये लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मेंबर अकाउंट फॉर द ईयर 2022-23 रिगार्डिंग। तो अब आपको इस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 8.15% मिलेगा।